हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विशालिनी में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने डेमो की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और उस डेमो में आप सभी को पता है कि 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 30 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ 60 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और मैंने तो आपको बताया हुआ है कि जो 15 मार्क्स है, देखिए पहले सबसे पहले आपको नंबर्स को डिवाइड कर लेना कि आखिर 60 मार्क्स में कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी रखी गई है जिसकी वजह से आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं। मैंने आप लिखा कि 30 नंबर पर के, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आप लोग डेमो में 30 नंबर कैसे पा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये 60 नंबर्स समझने होंगे कि आपके जो इंटरव्यू के 60 मार्क्स हैं उसमें आप लोग कैसे कैसे इस नंबर्स को डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 15 मार्क्स है वो आपकी पर्सनैलिटी पे, वो आपके परफॉर्मेंस पे, कि आप कैसे चलते हैं, आप किस तरीके से वहां पे हैं, कैसे आप बैठ रहे हैं, कैसे आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, कैसा आपका ड्रेसअप है, ये 15 मार्क्स आप लोग कैसे आसानी से गेन कर सकते हैं। मैंने अपने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी इस पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका बचता है 30 मार्क्स का डेमो, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपका डेमो, ठीक है। पर्सनैलिटी हो गया, 30 मार्क्स डेमो हो गया, और जो बचा हुआ 15 मार्क्स है वो आपसे इंटरव्यूअर्स जो रहेंगे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आपसे कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये जो 15 मार्क्स का है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये तो आपको अपने हिसाब से देना रहेगा। वहां पे उन लोगों ने कौन सी सिचुएशन आपके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, ये आप लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ नहीं बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने अपने प्लेलिस्ट में आपको बना के दे दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, बहुत ढेर सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग वो वीडियोस देख के वन बाय वन करके अगर आप लोग उस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के नोट्स बना लें या फिर उस वीडियो को रिपीटेड 1-2 बार देख लें तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आगे भी आप लोगों के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ले आती रहूंगी। और ये जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस की भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, कुछ गेम्स के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में तो उतना ज्यादा एकदम फोकस्ड होकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्या, यानी कि आप 15 में से 10 मार्क्स तो इसमें पाए जाएंगे, लेकिन मैंने आपको 15 मार्क्स एकदम कंफर्म बता दिया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस को, आप अपने चलने के तरीके को, आप अपने बोलने के बिहेवियर को किस तरीके से रखेंगे कि आपको 15 मार्क्स बहुत ही आसान से मिल जाएंगे। लेकिन अब बचता है आपका 30 मार्क्स, ये तो बहुत बड़ा वेटेज है। अब ये क्योंकि डेमो, ये जो डेमो है क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है, जब भी आप केवीएस में जाएंगे पढ़ाने तो आपको वहां पे तो पढ़ाने ही जाना है ना, तो ज्यादातर वो जो आपका चेकअप होगा वहां पे इंटरव्यूअर्स जो करेंगे, जो आपका टेस्ट लेंगे, वो होगा आपके डेमो का। कि आप 15 मार्क्स का, तो आप जैसे ही रूम में इंटर करेंगे आपका वहीं पे टेस्ट हो जाएगा। ये 15 मार्क्स में से आपको जितने भी नंबर्स देने रहेंगे वो जैसे ही आप इंटर करेंगे, जैसे कुछ भी बोलेंगे, वो वहां पे डिसाइड हो जाएगा कि आप लोग कैसे अपनी परफॉर्मेंस को देने वाले हैं। क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि अगर आपके पास नॉलेज बहुत बड़ा है, एकदम ज्ञान का सागर आपके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहां पे आपके उस ज्ञान सागर का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो आपके पास जितनी भी नॉलेज है उसको आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका 15 मार्क्स तो पक्का है। लेकिन अब बचता है आपका डेमो। डेमो में आप सभी को पता है कि आपको 4 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस एंड मैथ्स, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। और जरूरी नहीं है कि इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको डेमो के लिए बोला जाएगा, आपसे इंग्लिश में भी कोई डेमो लिया जा सकता है, आपसे हिंदी में भी लिया जा सकता है, मैथ्स की भी कोई टॉपिक ली जाती है जा सकती है, और ईवीएस की भी। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको एकदम फुली, एकदम समझ लीजिए कि 100% इसको प्रिपेयर करके जाना है कि इसमें आपको बिल्कुल भी एक चांस भी नहीं छोड़ना है कि आपका ये 30 मार्क्स में से एक भी नंबर वो लोग काट सके। मैं आप लोगों को डेमो की एकदम बेहतरीन प्रिपरेशन करवा रही हूँ, कैसे कैसे आप स्टोरी के माध्यम से बच्चों से टॉपिक को निकलवाएंगे, ये सारी चीजें आपके नंबर को ही इनहेंस करने वाली हैं। क्योंकि बहुत लोग होंगे, हो सकता है स्टोरी को क्रिएट ना कर पाए, हो सकता है खुद ही हड़बड़ाहट में अपने टॉपिक को बोल दे, तो वो मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो जाएगा। मैं आपको जो भी चीजें, जो भी की पॉइंट बताने वाली हूँ, ये आपको नंबर दिलवाने में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये 30 मार्क्स जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात कि आप जो भी टॉपिक निकलवाएंगे, चाहे इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस या मैथ्स, आपको वो टॉपिक खुद से वहां पे डिस्क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बच्चों से इस तरीके से बातें करनी है कि वो बातों बातों में ही वो इसको प्ले मेथड से करवाना है। आपको थ्योरी वहां पे बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करनी है, आप गेम के तरीके से कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं आप उसका प्रयास करिएगा।
और जो सबसे ज्यादा आपको नंबर गेन करवाने में हेल्प करेगा वो होगा आपका पोयम, और मैथ्स और ईवीएस की टॉपिक तो होंगी होंगी, लेकिन अगर मान लीजिए आप मैथ्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ईवीएस में कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो बचता है आपका सिर्फ दो ही सब्जेक्ट, एक इंग्लिश और हिंदी, जो कि पोयम है उसमें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पोयम ही है, उसमें स्टोरी भी है, उसमें इंग्लिश ग्रामर के कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स। तो इन सब के साथ साथ आपको अपनी पोयम को भी प्रिपेयर रखना है कि अगर आप बाकी डेमोज को अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं तो आप वहां पे पोयम के माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने अंदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बेटर से बेटर मार्क्स को पा सकते हैं। तो ये हो गया आपको कि आप कैसे डेमो में 30 मार्क्स को गेन करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो कुछ भी वहां पे करना है, बोर्ड को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, अच्छे तरीके से लिखना है, 45 डिग्री पे खड़े होना है। अगर आप कुछ भी वहां पे बता रहे हैं तो आपको लिखने से ज्यादा आपको इमेजेस का यूज करना है, फिगर्स का यूज करना है, और आप जो भी टीएलएम का यूज करना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी चीजें आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, आपके उस क्लास रूम में प्रेजेंट है, आप उन्हीं का यूज करके वहां पे अपने टीचिंग डेमो को दीजिए, ताकि जो बच्चे हों, क्योंकि हम लोग बच्चों को उन्हीं चीजों का एग्जाम्पल्स देते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट होते हैं, ताकि उनको वो इमेजिन करने में आसान हो। अगर मान लीजिए हम लोग उनको क्या दे रहे हैं कि एक गार्डन का दे रहे हैं और आसपास कहीं गार्डन है ही नहीं, तो बच्चे ऐसा तो है नहीं कि वो गार्डन के बारे में नहीं जानते होंगे, जानते होंगे, लेकिन इंटरव्यूअर्स का कहना ये होता है कि आप उन्हीं टीचिंग मटेरियल का यूज करिए जो कि आपके सामने प्रेजेंट है, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स को समझने में ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये रही छोटी छोटी की पॉइंट्स जो आपको मार्क्स दिलवाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोग इन सारी टिप्स को फॉलो करिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, उसमें बहुत ढेर सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत ढेर सारे डेमो की सीरीज है, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए डेमो की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस और बाकी सारी चीजों को ले आती रहूंगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको मिल जाए। Thank you.